सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा तुहाडे आपदे यूट्यूब चैनल अंबेडकर बाण दे विच। इतिहास विषय नाल आपां लगातार क्वेश्चन आंसर दी वीडियोज़ और लैक्चर अपलोड कर रहे हैं। तो जिहड़ा अपना अंतिम लैक्चर सीगा वह आपने हुमायूं दे बारे में अपलोड किया सी, ठीक है जी। हुमायूं तो बाद शेर शाह सूरी ने शासन किया सी। 1540 ईस्वी के शेर शाह सूरी ने हुमायूं नूं हरा दिता सी और हराने तो बाद सूर वंश की स्थापना की थी, ठीक है जी। तो हुण देखते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी का जिहड़ा जन्म है वह अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मन्निया है, ठीक है जी। एक तो मन्निया है यह 1472 ईस्वी का साल, ठीक है जी। दूसरा मन्निया है 1486 ईस्वी का साल। जिहड़ा तां मन्निया है 1486 ईस्वी का साल, यह मन्निया है डॉक्टर के आर कानूनगो ने और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने, ठीक है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर के आर कानूनगो शेर शाह सूरी का जिहड़ा जन्म मानते हैं वह मानते हैं 1486 ईस्वी, ठीक है जी। 1486 ईस्वी, जबकि डॉक्टर परमात्मा शरण, डॉक्टर पी शरण भी कहा जाता इन्हों, ठीक है जी, ये मानते हैं 1472 ईस्वी का साल। शेर शाह सूरी के पिता का नाम हसन सी, ठीक है जी। हसन सी शेर शाह सूरी के पिता का नाम। शेर शाह सूरी तो बाद इसका पुत्र इस्लाम शाह सूरी वंश का शासक बनया। इसने उपाधियां धारण की शेर शाह की और शेर खां की, ठीक है जी। शेर शाह सूरी का जो असल नाम से वह फरीद सीगा। उस तो बाद इसने उपाधियां धारण कीतियां। इसकी मौत हो गई सी 22 मई 1545 ईस्वी में, लगभग 72-73 साल का होकर इन्हों की मौत हो गई सी, ठीक है जी। कितनी हुई सी? कलिंजर के किले के। और इहदा जिहड़ा मकबरा है वह शाशाराम के बनया होया है, ठीक है। शाशाराम के इसका मकबरा बनया होया है शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी का असल नाम फरीद सी अते इहदा संबंध सूरवंश नाल सी। डॉक्टर के आर कनुंगो और ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इन्हों का जो जन्म 1486 ईस्वी के नारौल के परगना होया, ठीक है। नारौल के परगना होया, ठीक है। जबकि डॉक्टर पी शरण के अनुसार फरीद मतलब कि शेर शाह का जो पहला नाम से वह फरीद से, इहदा जन्म 1472 ईस्वी के हुशियारपुर के पिंड बजवाड़ा नामी पिंड के होया, ठीक है जी। हुशियारपुर के बजवाड़ा पिंड के होया, ठीक है। ये दो अलग अलग विचारधारा में ये जन्म के संबंध के पर जोड़ा ज़्यादातर वह 1772 वाला ही सही मनिया जाता। नैट के उत्ते भी 1772 वाला ही सही है। ये पिता जौनपुर के अधीन शाशाराम का जिमीदार से। शेर शाह का पिता हसन जोड़ा सी वह जौनपुर के शाशाराम का जिमीदार से। शेर शाह के पिता के चार ब्याह होए हुए थे, जिदे जी सब तो छोटी पत्नी सी इसका जो पति से उसके हाथ की कठपुतली सी, जिसके कारण की होया कि फरीद की सिक्ख्या के वाले का कोई खास ध्यान नहीं सी। जिस तो तंग आ के 1494 के फरीद ने घर छड़ता तो वह घरों चलिया गया, ठीक है जी। 1519 के फरीद बिहार चलिया गया, जिथे उसने बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी, ठीक है जी। बहार खां लोहानी जिसने की किया सुल्तान मुहम्मद की उपाधि धारण करके खुद को स्वतंत्र राजा घोषित किया हुआ सी, उस दे अधीन जाके नौकरी कर ली सी, ठीक है। उस दे अधीन जाके इसने की किया नौकरी कर ली सी। बिहार के शिकार खेडते हुए फरीद ने शेर का एक शिकार किया, ठीक है। बिहार के फरीद ने शिकार खेडते हुए शेर का शिकार किया, जिस तो खुश होकर बहार खां लोहानी ने इसनों शेर खां की उपाधि धारण दी सी। इसनों शेर खां की उपाधि दी सी बहार खां लोहानी ने। बहार खां लोहानी कौन सी? तो यह बिहार का सूबेदार से, बिहार का सूबेदार से। बिहार के शिकार खेडते हुए फरीद ने शेर का शिकार किया, जिस तो खुश होकर बहार खां लोहानी ने इसनों शेर खां की उपाधि दी। शेर शाह नहीं बने हले भी, हले ये शेर खां गा, ठीक है जी। अगे देखो,
सूरी वंश के कड़े कड़े शासक हुए हैं? शेर शाह हो गया, उस तो बाद इस्लाम शाह सूरी हो गया, फिर फिरोज शाह सूरी आया, उस तो बाद आदिल शाह आया, आदिल शाह तो बाद इब्राहिम लोधी। ठीक है जी, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी नहीं होना उरे, इब्राहिम शाह होएगा उरे, इब्राहिम शाह। ठीक है जी, लोधी नहीं है, इब्राहिम शाह। ठीक है जी, इब्राहिम शाह आया, इब्राहिम शाह तो बाद सिकंदर शाह सूरी आया, सिकंदर शाह सूरी अंतम सूरी शासक सीगा। ठीक है जी, पंद्रह सौ सताई अठाई के शेर शाह ने बाबर की फौज के शामिल हो के अपना प्रभाव छड़िया बाबर के उत्ते। शेर शाह नूं मुगल सैनिक प्रणाली नूं चंगी तरह समझ के इसने दोबारा आपदा बिहार के वापस आ गया बहार खां लोहानी के कोले। ठीक है जी, पंद्रह सौ सताई अठाई के इसने की किया, फरीद ने, फरीद तो यह कन्वर्ट हो गया थी तो शेर खां बन गया सी। ठीक है जी, शेर खां बाबर की फौज के शामिल हो गया, जिथे बाबर इस तो बहुत प्रभावित होया और बाबर ने ये उपर खास नज़र रखने वास्ते कहा कि अपने मंत्रियों को। ठीक है जी, इस फौज के रेंदे हुए शेर खां ने की किया, मुगल सैनिक प्रणाली में चंगी तरह समझ लिया और समझ के दोबारा वापस बिहार आ गया। बिहार में शेर खां को दोबारा मुहम्मद बहार खां के अधीन उसके पुत्र जलाल खां की सिक्ख्या का सिक्ख्यक नियुक्त किया गया। ठीक है जी, बहार खां ने, बहार खां पहली जिहदे कोलों इंप्रैस सीगा शेर खां कोलों, ठीक है, तो उसने इसनों दोबारा नौकरी देती और अपने पुत्र के संरक्षक के तौर के उत्ते सिक्ख्यक के तौर के उत्ते इसनों नियुक्त कर लिया। पर इसने की किया कि बहार खां की मौत तो बाद जिहड़ी बहार खां की पत्नी सी जिहदा नाम सी दादू बीबी, उसने इसनों अपना वकील बना लिया ते हौली हौली इसने सारा राज प्रबंध अपने अधीन करना शुरू कर दिता और यह राज की जी असल कमांड सी इसने अपने हत्थां दे विच लै ली सी। ठीक है जी, शेर शाह दीआं जित्तां, बिहार ते अधिकार किया इसने, 1529 विच बहार खान की मौत तो बाद शेर खान ने दादू बीबी, ठीक है, दादू बीबी कौन सी, तो यह बहार खान की पत्नी सी, इस दे नाबालग पुत्र जलाल खान का संरक्षक बन के, ठीक है जी, बनाया थी इसनों संरक्षक, परंतु इसने की किया बहार खान के नाबालग पुत्र जलाल खान तो राज अधिकार खो के बिहार के उपर कब्जा ही कर लिया। ठीक है, तो यह बिहार के उत्ते इसकी पहली जित सी, तो यह पहली बारी शासक बनया सी बिहार का। उस तो बाद देखो चिनार ते अधिकार किया इसने 1530 दे विच, शेर खान ने चिनार की विधवा राणी लाड मलिक नाल ब्याह करवा के चिनार का राज प्रबंध अपने अधीन कर लिया। शेर शाह ने की किया कि जिथे जी कोई राणी विधवा सी, ठीक है, कोई वारस नहीं थी उन्होंने, तो उन्होंने नाल ब्याह करवा लैंदा सी, उत्थों दे जिहड़ा राज सी उह अपने अधीन कर लैंदा सी, अपना राज वधा रहा सी। इस तरह इसने की किया ये गाजीपुर की विधवा राणी गौहर गुसाई नाल भी ब्याह करवाया, तो उत्थों इसने 300 मण सोना प्राप्त किया। ठीक है कि गाजीपुर की विधवा राणी गौहर गुसाई के नाल इन्हें जो ब्याह कराया तो उत्थों इसे लगभग 300 मण सोना मिले। सूरजगढ़ की लड़ाई 1534 ईस्वी के बिहार के असल शासक बहार खान के पुत्र जलाल खान ने बंगाल के शासक महमूद शाह की मदद के नाल शेर शाह के उपर हमला किया, परंतु शेर शाह ने सूरजगढ़ की लड़ाई के इन्हों की किया हराता। ठीक है जी, बिहार का असल शासक कौन सी, बहार खां, बहार खान का पुत्र सी जलाल खान जिसका संरक्षक बनया सी, परंतु इसने की किया कि उसनू धक्के दे नाल राज उसके कोलों खो लिया, आप बिहार का शासक बन गया सी शेर शाह। नैक्सट देखो बंगाल की जित, 1535 ईस्वी के बंगाल के शासक महमूद शाह ने शेर शाह तो अपनी हार का बदला लैण लई तैयारियां शुरू कीतियां, परंतु इस बार भी उसकी हार हुई जिस कारण उसनों बंगाल के प्रदेश के 1,300,000 सोने दी मोहरां प्राप्त हुई। ठीक है, बंगाल के शासक ने मदद की सी जलाल खान की, उस मदद के बदले इसकी हार हुई। ठीक है जी, अते इस हार का बदला लैण वास्ते महमूद शाह ने शेर शाह सूरी के उपर 1535 ईस्वी के दोबारा हमला किया, परंतु इस हमले के
महमूद शाह की दोबारा हार हुई। ठीक है, इस हार का महमूद शाह नूं भारी नुकसान होया, जिस दे विच उसके बहुत सारे प्रदेश अते 13 लाख सोने दियां मोहरां उसने शेर शाह सूरी नूं दित्तियां। रोहतास की लड़ाई 1537 ईस्वी दे विच, रोहतास के किले नूं शेर शाह ने कपट राही हासिल किया। ठीक है जी, इहदे विच इसने की किया, कूटनीति चली और एक किला जिहड़ा सी उह प्राप्त कर लिया। अगे देखो चौसा की लड़ाई, चौसा की लड़ाई थी जी, वह हुमायूं अते शेर शाह विरुद्ध हुई थी। ठीक है, शेर शाह हुमायूं के विचकार हुई थी, साल सीगा 1537 ईस्वी का। मुगलों ने चिनार के किले की 6 महीने तक घेराबंदी रखी थी, अंत कब्जा कर लिया, परंतु इन्ने समय के शेर शाह ने अपना धन और अपना परिवार उस किले तो कढ़ के रोहतास के किले वल चलिया गया। हुण हुमायूं ने जो गोर जित लिया तो अगले 6 महीने उसने की किया, ऐश प्रस्ती के बतीत किए। ठीक है, ऐश प्रस्ती के बतीत किए, जबकि यही 8 महीने के शेर शाह ने अपनी सेना इकट्ठी की, अपनी ताकत वधाई। हुण अगे ये जाके की किया कि चौसा नाम की जगह के उत्ते इकट्ठे हुए, जिथे 26 जून 1539 ईस्वी के मुगलों के अफगाना के घमासान लड़ाई हुई। इस लड़ाई के हुमायूं की हार हुई तो उसनों अपनी जान बचा के भजना पिया। इस लड़ाई के शेर शाह ने, शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है जी, चौसा की लड़ाई तो बाद इसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है जी, चौसा की लड़ाई तो बाद हुई थी कनौज की लड़ाई। ठीक है जी, कनौज की लड़ाई, उस तो बाद इसने किया दिल्ली के उपर कब्जा। 17 मई 1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम के युद्ध के हुमायूं और शेर शाह एक बार फिर आमने सामने हुए। इस युद्ध के शेर शाह के हथों हुमायूं को करारी हार मिली। इस तो बाद शेर शाह ने आसानी के नाल आगरे वल नूं वधिया, उत्थे जाके इसने दिल्ली के उपर कब्जा कर लिया। दिल्ली के नवे राजवंश सूरवंश की स्थापना की। इस युद्ध तो बाद हुमायूं सिंध चलिया गया, जिथे लगभग उसने 15 साल घमकड़ा वांगू घूमता रहा। 15 साल उसके कोल राज नहीं सी, सत्ता दे विच आउण दे लई इधर उधर भड़कता रहा। मालवा की जित, ठीक है, मालवा की जित 1542 ईस्वी के मालवा तो पहला देखो गखड़ कबीले की जित। जेलम तो रावलपिंडी के दरम्यान रहिंदे इलाके दे विच गखड़ दे सरदार सीगे, जिन्हां दा सरदार सीगा राय सारंग। इसने शेर शाह की अधीनता मनण तो इनकार करता थी, जिसके कारण शेर शाह ने की किया, इन्हां दे उत्ते हमला किया और इन्हां दे प्रदेश नूं उजाड़ के रखता। ठीक है, हुण वापस आ जाओ मालवा दी जित दे। 1542 दे विच मालवा उपर चढ़ाई की, मालवा के अधीन मल्लू खां सीगा, जिन्हें बिना विरोध ही इसकी अधीनता नूं मन लिया। अगे देखो रायसेन की जित, रायसेन की जित। ठीक है जी, रायसेन का जिहड़ा किला सी उसकी इसने घेराबंदी की 1543 ईस्वी के, जिस कारण रायसेन के शासक राजपूत पूर्णमल सूरी शासक शेर शाह के नाल समझौता करना पिया, संधि करनी पई। इस संधि के अनुसार शेर शाह ने अपनी फौज में जो पिछे हटाने का फैसला कर लिया और पूर्णमल आजादी दी कि आपके साथियों के नाल आपके जायदाद के नाल या जोड़ा भी गहना गिट्टा थी जो भी समान से उस दे नाल जा सकता गा किला छड़ के, तो उसनू किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाऊगा। ठीक है जी, इस दे लई शेर खां ने पवित्र कुरान की सहुं भी खाधी सी। ठीक है, परंतु होया इस दे बिल्कुल उल्ट, जदों राजपूत शासक पूर्णमल किला छड़न लग्या तो इन्होंने की किया पिछों दी उन्हां उत्ते हमला करता, तो उन्हां दी बहुत लुट्ट मार की। ठीक है जी, जिस दे कारण की सी इहदी जिहड़ी कुरान की कसम खाधी हुई सी उह वी इसने उसकी भी लाज नहीं रखी, और यह इतिहास के विच इस दे उत्ते एक कलंक के तौर उत्ते लग्या होया है। ठीक है, मुल्तान की जित। 1543 दे विच पंजाब दे गवर्नर हैबत खान न्याजी ने शेर खां दे आदेश उपर दक्षण पछम वल राज दीआं सीमां नूं वधाउंदे होए मुल्तान दे शासक बख्शु लंगे नूं हरा के मुल्तान नूं आपदे अधीन कर लिया। ठीक है जी, 1543 ईस्वी के और 44 ईस्वी के इन्हें ही सिंध के कुछ प्रदेश भी जीते सी। ठीक है जी, इन्हें जीते सी हैबत खां ने। ठीक है जी, हैबत खां न्याजी इस दे समय पंजाब का गवर्नर सी। शेर शाह सूरी का हमला, शेर शाह सूरी ने 1545 कलिंजर विरुद्ध हमला करके कलिंजर का जिहड़ा शासक सी कीरत सिंह उस तों किला जित लिया। ठीक है जी,
उस दे उत्ते इसने हमला किया 1545 ईस्वी के कलिंजर विरुद्ध हमला करके कर दिता। कलिंजर का शासक कीरत सिंह किले तो डट के मुकाबला करता रहा परंतु जित ना सकिया। ठीक है जी, शेर शाह की मौत इस कलिंजर युद्ध के अभियान हुई अभियान के दौरान हुई सी, जिते यह उक्का नाम का हथियार चला रहा सी। ठीक है जी, उस हथियार को चलाते हुए यह जख्मी हो गया, जिस तों बाद 22 मई 1545 में इसकी मौत हो गई सी। ठीक है जी, 1545 में इसकी मौत हो गई सी 22 मई। ठीक है, कलिंजर अभियान के दौरान ही। शेर शाह सूरी का शासन प्रबंध। सुल्तान राज प्रबंध का असल मुखी वह आप सी, वह अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाता सी ते लागू करता सी। जिहड़ा राज प्रबंध सी वह पूरी तरह नाल तानाशाही सी। ठीक है जी, उस तो बाद मंत्री आ गए, दीवान ए बजारत यह वित्त विभाग संबंधी कार्य करता सी। इस विभाग के मंत्री नूं वजीर कहा जाता सी। ठीक है जी, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज का कम की सीगा तां इस विभाग का मुख्य कम सेना नाल संबंधित सी। सैनिकों भर्ती करना, उन्होंने तनखाह देना, रिकॉर्ड रखना, निरीक्षण करना, परीक्षण देना, इस विभाग का जिहड़ा मंत्री सी उसनूं सेनापति, ठीक है, या फिर सेना मंत्री कहा जाता सी। अगे आ गया जी दीवान ए बरीद, ये जसूसी विभाग सी, जासूसी विभाग सी दीवान ए बरीद। इस विभाग का मुखी सी जिहड़ा वह बरीद ए ममालिक सी, बरीद ए ममालिक सीगा जासूसी विभाग का मुखी। जसूसी विभाग को कहा जाता सी दीवान ए बरीद। ठीक है जी, दीवान ए बरीद। अगे देखो दीवान ए कजा, दीवान ए कजा इस विभाग का मंत्री मुख काजी सी, यह काजियां के कामों के उपर नज़र रखता सी अते काजियां दीयां अदालतों विच आए अपील संबंधी मुकदमियां का फैसला करता सी। ठीक है जी, यह की सीगा एक तरह नाल जज रखे हुए सी काजियां के उपर, हैड काजी सीगा। उस तो बाद गया दीवान इंशा, यह शाही लेखा पत्रां का विभाग सी, सारे सरकारी रिकॉर्ड रखना, अधिकारियों तक उन्हां दी पहुँच करनी, यह इन्हां दा कम सीगा। नैक्सट है दीवान ए रसालत, इस विभाग को विदेश मंत्रालय विच गिणिया जाता सी, एक तरह नाल यह विदेश मंत्रालय सीगा सरकार दा। अगे देखो शेर शाह दे सम्राज दे विच 66 सरकारां सीगियां अते हर सरकार दे प्रबंध दे लई 2 अधिकारी सी। किहड़े किहड़े सी? इक सी मुख सिकदार और एक सी मुख मुनसिफ। ठीक है जी, सरकारां वंडियां होईयां सीगियां, इहदा राज सी जिहड़ा उह सरकारां दे विच वंडिया होया सी। डॉक्टर कनुंगो दे अनुसार शेर शाह सूरी ने अपना सम्राज सरकारां दे विच वंडिया होया सी, उस दे राज दे विच सूबे नहीं सीगे। ठीक है, परंतु जिहड़ा डॉक्टर पी शरण यानी कि परमात्मा शरण सी, उह इहनां दे इस तर्क दे नाल सहमत नहीं हैगा। उह मानदा कि इहनां दे राज दे विच सूबे भी सी परंतु ज़्यादातर यह सरकारां दे विच ही वंडिया होया सी। ठीक है, देखो मुख मुनसिफ दा कम की सी, ये सरकार दा सैनिक अधिकारी सी, इस अधीन 2000 तो 5000 सैनिक आउंदे सी। इहदा मुख कम सरकार दे विच शांति व्यवस्था रखना सी। सरकार दा की सी कि जिहड़ा इसने अपने राज नूं 66 सरकारां दे विच रखिया होया सी, एक हिस्सा सी जमीन दा, ठीक है, उसनूं सरकार कहा जांदा सी। ठीक है, तां सरकार दे अधीन 2000 तो 5000 सैनिक आउंदे सी। ठीक है, मुख सिकदार दे अंडर इहदा काम सी सरकार दे विच शांति रखनी, सजावां देनियां अते जिहड़ी भी कोई गतिविधियां हुंदियां सी उहनां दे उपर निगरानी रखनी। दूसरा आ गया अफसर मुख मुनसिब, यह न्याय अते वित्त नाल संबंधित रखदा सी। यह सरकार दे अधीन आउंदे इलाकां दे विच लगान लैण, परगनियां दी सीमा संबंधी निपटारे करन, किसानां दे हितां दी रक्षा करन, उत्थों दे दीवानी मामलियां नूं, ठीक है जी, या फिर वित्तीय मामलों के उपर यह नज़र रखता सी, उन्हों का काम यह करता सी। ठीक है जी दोस्तों, ये अपनी अज की वीडियो, तो इस वीडियो का आप नैक्सट पार्ट लैके फिर हाजिर होवांगे बहुत जल्द। तो जेकर वीडियो चंगी लगी तो वीडियो लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल में सबसक्राइब करियो। धन्यवाद।